नमस्ते, मैं अजयानंद, अजयानंद एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये चूँकि मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है, इसके पहले मैं शॉर्ट्स और रील्स अपलोड करता था और उसके पीछे एक भावना ये रहती थी कि बहुत छोटे समय में, चूँकि आजकल लोगों का रिटेंशन टाइम बहुत कम हो गया है, तो जिज्ञासा ज्योतिष के प्रति बनी रहे और प्लस समाधान भी आपको मिलता रहे, तो ये प्रयास रहता था। एक बात जो कि जिसका सलूशन हो नहीं पा रहा था कि बहुत शॉर्ट टाइम में, मतलब 20 सेकंड 30 सेकंड में किसी विषय की पूरी समझ को डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी विषय को लेकर के व्यवस्थित तरीके से उसके बारे में बात कर पाना, अपनी बात को पूरी तरीके से समझा पाना, ये संभव नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि ज्योतिष को लेकर के लोगों में बहुत भ्रांति भी है, बहुत अज्ञान भी है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी अक्सर ज्योतिष के अनेक उपांगों में, मतलब सब टॉपिक्स में, सब्जेक्ट तो ज्योतिष हो गया, उसके जो सब टॉपिक्स हैं, उप विषय हैं, उसको लेकर के कंफ्यूज्ड रहते हैं। बहुत सारे लोग गणना को तो ठीक मानते हैं लेकिन फलादेश को ठीक नहीं मानते। बहुत सारे लोग ज्योतिष को ही खारिज कर देते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें चल रही हैं। इस बारे में एक बात ये भी रही कि बहुत सारे अच्छे शिक्षकों के, अच्छे लोगों के, अच्छे विद्वानों के और अच्छी किताबों के होने के बावजूद मेरा होना क्यों ज़रूरी है, मतलब मैं ऐसा क्या बता दूंगा जो पहले से नहीं बताया गया है। तो उसका एक निचोड़ मुझे ये समझ में आया कि हर कोई किसी भी विषय को अपने तरीके से समझाता है। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत जटिल विषयों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते तो हैं, लेकिन उस समझाइश का पढ़े लिखे लोगों पर असर होता है, वो तो समझते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जो सामान्य रूप से ज्योतिष को सरल भाषा में समझने आया है, उसको अक्सर निराशा मिलती है। तो मुझे लगा कि ये गैप है जिसको कुछ लोग तो भर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अकेला काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ज्योतिष जैसे कठिन विषय को सरल तरीके से भी समझाने के लिए बहुत सारे लोग प्रस्तुत हैं और वो लोग पढ़ा भी रहे हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों की देन रही है। ज्योतिष शास्त्र वेद के तमाम अंगों और पांगों में से एक है। ये इसको वेदों की आंख कहा गया है, क्योंकि अगर आपको सारी चीज़ों को समझना है, विषय को अच्छे तरीके से समझना है, चाहे किसी भी दर्शन को समझना हो, तो आपको ज्योतिष का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष का मतलब ज़्यादातर लोग इस बात से ले लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादातर मकसद लोगों को जब वो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो अक्सर ये मैंने यूट्यूबर में भी ये चीज़ देखी है कि किसी विषय को समझने से पहले ही उसको क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। तो खैर, उस बारे में क्या ही बोला जाए, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ज्योतिष सघन बहुत है, कॉम्प्लेक्स बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं कि कठिन है। मतलब यह है कि जब आप इसका अध्ययन करेंगे ना, तो बहुत सारी ब्रांचेज उसमें से निकल करके सब ब्रांचेज में डिवाइड होंगी और आपको सबका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा बना करके उसको पढ़ना होगा और समझना होगा। ये मामला है बड़ा सरल और बहुत सुंदर है। अब अच्छा टीचर अगर हो, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, उसको सरल तरीके से समझा दें तो बात समझ में आ जाएगी, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। अब यही है कि मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि उस बात को कितना सरल तरीके से मैं कह दूँ और आम लोग जो कि ज्योतिष को या संस्कृत को उस स्तर तक नहीं समझते, उनको भी बात समझ में आ जाए। तो अभी ये तो पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था, मुझे लगा कि ये बात कहना इस पहले वीडियो में ठीक रहेगा कि हमारा मोटिव क्या रहेगा, हम किस तरफ बात करेंगे। क्रमबद्ध तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से विषय को समझने का प्रयास करें और क्या, किस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ को हम पूरी तरह से अवॉइड करेंगे, वो है निगेटिविटी। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने व्यू पाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि वो ज्योतिष को ही पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। ज्योतिष को खारिज करने का मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं पूरे संपूर्ण वैदिक दर्शन को ही खारिज कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, मत, जाति, पंथ, संप्रदाय का व्यक्ति हो, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ज्योतिष सिर्फ सनातन में नहीं है, जिसको लोग अक्सर हिंदू कह लेते हैं, हिंदू धर्म कह लेते हैं। सिर्फ हिंदुत्व का मसला नहीं है, ये इस्लाम में भी वैसे ही है, ये वेस्ट कंट्रीज़ क्रिश्चियनिटी, अब्राहमिक रिलीजन, दूसरे तमाम लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विद्याएं हैं, चल रही हैं। ज्योतिष
एज इट इज इन सारी जगहों पे वैसे ही मौजूद है। शब्दावली बदल गई है, देखने का तरीका बदल गया है, बस यही है। बाकी तो डिटेल चर्चा जब हम इसको शुरू करेंगे तो करेंगे ही। एक लाइन की बात मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष, जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके रखे थे, बगल में मैंने गूगल खोल लिया है ताकि आप लोगों को ये सरल हो कि आप लोगों के सवाल ज्यादातर क्या हैं वो इससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने पूछा, जैसे एस्ट्रोलॉजी मैंने टाइप किया तो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ दो चार क्वेश्चन सामने आ गया। हाउ कैन आई चेक माई एस्ट्रोलॉजी? अरे माई एस्ट्रोलॉजी नहीं, माई होरोस्कोप। तो फर्क है एस्ट्रोलॉजी और होरोस्कोप में, वो क्या है हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा है, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो आ गया, इज देयर एनी ट्रूथ इन एस्ट्रोलॉजी? हाँ है। कैसे है उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। विच साइन इज पावरफुल इन एस्ट्रोलॉजी? हर साइन पावरफुल होता है, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। मैं अपने ज्योतिष की जांच कैसे कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि जो लोग थोड़ा समझते नहीं हैं, एक प्रारंभिक वीडियो हम इस पर बना लेंगे जिसमें ज्योतिष, ज्योतिषी और ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए तमाम शब्दावलियाँ आती जाएंगी, उनके बारे में स्पष्टता होती चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि फिलहाल, और अब से तो हाउ एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट, कैन एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट फ्यूचर? हाँ एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट कर सकता है, फ्यूचर करता ही है। हाउ टू नो अबाउट योर फ्यूचर? हाउ टू नो अबाउट योर फ्यूचर? देखिए, इन सारे विषयों का सीधा लेना देना आपकी कुंडली के फलादेश से है, प्रडिक्शन से है। जो आपका होरोस्कोप होता है, जो आपका नेटल चार्ट होता है, उसको जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, उसको मैं जब समझाना शुरू करूँगा, तो वो सारी चीज़ें एज इट इज़ वैसे ही क्लियर हो जाएंगी जैसे किसी को भी स्पष्ट होती हैं। मतलब वो ज्ञान सरल है, मुफ्त है, उपलब्ध है, वो पढ़ने और प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, बहुत सरलता से आ जाएगा। धैर्य बनाए रखिएगा, एक यही रिक्वेस्ट है आपसे, हो सके तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि अभी जो ये मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत अनस्ट्रक्चर्ड बात है। मतलब ये है कि मैं संवाद कर रहा हूँ ना आपसे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैंने पहले से तैयारी करके रखी है, नहीं कुछ नहीं, अभी तो बस ऐसी बात कर रहा हूँ। अभी तो मैंने ये खोल लिया गूगल की, पता चले कि कौन कौन से सवाल हैं, किसको किसको एड्रेस करना है, ऐसे ही करके। तो कम से कम ये तो पता रहे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जब मैं ज्योतिष को पढ़ाना शुरू करूंगा संभवतः अगली वीडियो से, तो उसमें बाकायदा वो चार्ट लेकर के कि सभी कुंडलियां जो षोडशवर कुंडली है और भी चीजें हैं उनके बारे में एक एक करके बताना शुरू करूंगा। और सबसे जरूरी बात क्या है, ये सब चीजें बहुत सरल रहने वाली हैं, इसलिए प्लीज स्टे कनेक्टेड। और कोई भी व्यक्ति अपना फ्यूचर खुद से ही देख सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, आने वाले समय को जज कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है और उसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर किए ताकि हम लोग अगले वीडियो में आगे की जर्नी शुरू कर सकें। एक बात और रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जब कोई वीडियो पसंद आए ना तो उस पर मुझे ये संकेत कैसे मिलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ठीक बात कह पा रहा हूँ कि नहीं कह पा रहा हूँ? तो आप लोग उसको लाइक कमेंट करके, इससे एंगेजमेंट बढ़ता है तो और लोगों तक भी वीडियो के पहुँचने की संभावना बढ़ती है। तो कम से कम ये एक बात अच्छी रहेगी कि अगर आप लोग संकेत दें लाइक से या नीचे कमेंट करके बताएं कि मुझे और क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, आप लोगों का रुझान किधर है, आप लोगों की समस्या किधर है, आप लोगों की जिज्ञासा किधर है। और जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ जहाँ टैग होना चाहिए, उनका उल्लेख होना चाहिए, वो सब वहाँ पर हैं, आप लोग वहाँ पर भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं और कीजिए ही, कर सकते क्या है उसको जरूर से कीजिए। और हम लोग अगले वीडियो से इस बात को कंटिन्यू करते हैं। एक बात थी लाइव आने की, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं अक्सर ही लाइव रहूं, जितना भी संभव हो सके मैं लाइव रहूं, क्योंकि दूसरे कामों में थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा रहती है। तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइव में भी वो सवाल आप लोग पूछें जो जनरल क्वेश्चन हैं, सामान्य सवाल हैं, जो सभी के हित के हैं। वो कहते हैं ना बहुजन हिताय, तो बहुजन माने बहुत सारे लोगों के हित के प्रश्न जो हैं वो पूछें। बहुत टेक्निकल सवाल पूछ सकते हैं लेकिन उसका वहाँ पर जवाब देना उस तरीके से ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ, है ना? क्योंकि लाइव में क्या होता है कि आप उसी सवाल का जवाब देते हुए एक कोई वीडियो डेडिकेटेड वो हो नहीं पाता, वो लाइव होता है, स्ट्रीम खत्म हो जाती है, तो लाइव के तौर पर रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा रहता है,
कोई आता है देखता है तो वो सर्च में नहीं आता, जैसे यूट्यूब क्या है कि आप उस पर सर्च करके जाते हैं, फेसबुक क्या है कि आप उस पर सर्च करके नहीं जाते, आप उस पर स्क्रॉल करके जाते हैं। तो अगर मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ और बिना किसी टॉपिक टाइटल के बना रहा हूँ तो वो मेरी मेहनत जो है ना वो बेकार चली जाएगी। तो अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पूछिए, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और प्रयास करूंगा कि वहीं पर कम से कम शब्दों में, सरल से सरल भाषा में उस बात को मैं समझा सकूं। ये मेरा प्रयास रहेगा। बाकी आपका सपोर्ट तो ज़रूरी है, बिना उसके संभव नहीं है। आप लोग सपोर्ट भी शो कीजिए और दूसरे लोगों को भी जो इस विषय से संबंधित रुचि रखते हैं उन लोगों को भी इस वीडियो में नीचे टैग कर सकते हैं तो कीजिए। पेज को लाइक करने के लिए लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं आप, तो ये भी मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसा भी कर दीजिए। और अब देखिए करीब लगभग 11 मिनट के आसपास होने को आया और मेरी कोशिश है कि ये भी रहेगी कि मैं 11 मिनट से ज़्यादा लंबे वीडियो न बनाऊँ, क्योंकि उसमें एक मामला रिटेंशन का भी हो जाता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी में ही बहुत कुछ मिल जाए, तो बेहतर ये रहेगा कि मैं दो दो घंटे के, एक एक घंटे की वीडियो न बना करके वो सारे वीडियो बहुत छोटे छोटे बनाऊँ, सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, 11 मिनट। 11 मिनट से ज़्यादा का कोई वीडियो ना होने पावे इस बात को लेकर के मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ, सतर्क हूँ। एक बात और है, फलादेश जो हम लोग डेली प्रोडिक्शन वगैरह देखते हैं ना, दैनिक फलादेश, मासिक फलादेश, वार्षिक फलादेश, मुंथा वगैरह, उसको लेकर के भी मैं विचार कर रहा हूँ कि वो सारी बातें भी आपको समझाने के बाद फलादेश जो डेली प्रोडिक्शन है या जो मंथली प्रोडिक्शन है वो भी आप लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। और कोशिश तो ये रहेगी कि आप लोग खुद ही जो गोचर है उसको देख करके आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि किसके साथ क्या होने वाला है। एक तो बड़ा कन्फ्यूजन है राशि और लग्न को लेकर के, तो इस तरह के तमाम विषय हैं। अब उस एक अभी के वीडियो में उस सारी बातों को कर लेना संभव नहीं होगा, तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अगले वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको पढ़ा सकूँ, आपको समझा सकूँ। फिलहाल आप सभी से आगे चाहूँगा, जय श्री राम।